नमस्कार है भाइयों को, बहनों को एवं सभी लोगों को जो भी पूरे विश्व में किसी भी जगह से मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, सिर्फ इंडिया देश के लोगों के लिए, और इंडिया देश में भी इंडिया देश के असम राज्य के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया देश के असम राज्य में एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है, जो कि 269 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है, जिसमें कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट रहेगा। ये कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट होगी ये, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल 269 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। मतलब 269 लोग रिक्रूट होंगे कांस्टेबल के पोस्ट पर, जो कि स्टेट लेवल पर रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब क्लियर यही हो जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट हरियाणा का है, मेघालय का है, मान के चलते कोई कैंडिडेट यूपी से मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश से सुन रहे होंगे, एमपी से, तो भाई लोग एवं बहन लोगों, आप सभी लोग इन पर फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडिया का सिटीज़न, मतलब भारतीय, भारत का नागरिक, इंडिया देश का, प्लस वो असम राज्य में रहता है, परमानेंट वो वहाँ का निवासी है, तो वही फॉर्म भरेगा। कुल कहना यही है आपका कि अन्य राज्य के लोग और अन्य यूटीज़ के लोग इंडिया देश में भी असम राज्य के अलावा कहीं से फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ असम के लोग फॉर्म भरेंगे। असम स्टेट में ये 269 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कांस्टेबल पर, ठीक है। इसका फॉर्म फिलअप दूंगा मैं इस वीडियो में आपको। आपको बता दूं दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद हो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एज कितनी होनी चाहिए आपकी, और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, और कितनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज है, एससी एसटी ओबीसी, इन सबकी मैंने वैकेंसी क्लियर करी थी, आपको याद हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्म भरने वाले हैं। जिन लोगों को भी नोटिफिकेशन देखना हो, जाकर वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इस वीडियो में हम जा रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म भरने, सिर्फ और सिर्फ असम राज्य के लोगों के लिए। ये खास वीडियो आपके लिए, आपके लिए एक खास तोहफा समझ लो, ये वीडियो का आपके लिए रहेगा, सिर्फ असम के लोगों के लिए। अन्य राज्य वाले इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे, जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम राज्य में गुवाहाटी जगह से नोटिफिकेशन आया था। दोस्तों, आपको बता दूं, ये असम राज्य के गुवाहाटी जगह से मोस्टली नोटिफिकेशंस आते हैं, वहीं पर ज़्यादा इनके हेड ऑफिसेज और ये सब हैं इस वजह से, और इसमें आपकी ये जॉब गवर्नमेंट होगी। ये चीज़ें लोगों को क्लियर होती होंगी। हम आगे चल रहे हैं दोस्तों, देखिए आप, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, इसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखाने। देखिए, ये 25 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, आपको याद हो कि ये, तो देखिए आप इतनी वैकेंसीज देख पा रहे हो, ये नोटिफिकेशन अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस में डालेंगे ये, और होम गार्ड के अंदर ये वैकेंसी जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ये कॉन्स्टेबल की वैकेंसी ये कहाँ जाएंगी, डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस और होम गार्ड के अंदर ये वैकेंसीज जा रही हैं, कॉन्स्टेबल पोस्ट पर जाएंगी। ये ग्रेड थर्ड वाले होंगे, मतलब कॉन्स्टेबल पोस्ट में भी ग्रेड वाइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होते हैं ग्रुप ए से लेकर डी और इस तरीके से, और वही सेम तरीका यहाँ पर होता है, तो आप लोग देख सकते हो। और अगर बात करें दोस्तों इसमें सारा कुछ, जो भी इसका नोटिफिकेशन है, आपको एक बार दिखाते चलें। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपने देखा हो तो सही है, नहीं तो आप अभी भी देख सकते हो, ये पूरा नोटिफिकेशन है। मस्ट बी इंडियन सिटीजन प्लस वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, यानी कि वो राज्य का ही निवासी हो, ये चीज़ इन्होंने क्लियर कही है। अपर एज में फ़ायदा मिलेगा, जिनको भी मिलेगा स्टेट लेवल में फ़ायदा मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल इन्होंने कहा था, सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है, कैंडिडेट सिर्फ 10th पास है तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, क्योंकि ये एक आपको कांस्टेबल का पोस्ट दे रहे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका जरूरी रहेगा यहाँ पर। हाउ टू अप्लाई मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देखते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। और थोड़ा और आगे हम इसमें चलें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर PHT PET करा लेंगे, और इसको पास करने वालों का फिर मेडिकल कराएंगे, और इस तरीके से हम इनको सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोग सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हो। देखिए, सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हो।
जो लोग पीएचटी और पीईटी जैसी चीज़ों को पास करेंगे उन्हीं का रिटर्न एग्ज़ाम करा लेंगे ये। और रिटर्न एग्ज़ाम ये लोग जो कराने वाले हैं वो किस तरीके कराएगा, 100 MCQs देंगे, काफ़ी सिंपल पेपर रहेगा, 10th लेवल का होगा, जिसमें एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और राज्य की जो है इतिहास, भूगोल और पॉलिटी यानी राजनीति, और इसके अलावा आपका इकोनॉमी, अर्थशास्त्र जैसी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पेपर तो बहुत आसान होने वाला है। 4 लैंग्वेज में देंगे, आसामीज़, बोडो, बंगाली और इंग्लिश, इन 4ों भाषाओं में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सारा एग्ज़ाम जो रहेगा वो गुवाहाटी, जो आपका जनपद है, आप ये कह लो गुवाहाटी वाला जो एरिया है, सिटी है या डिस्ट्रिक्ट जो भी है राज्य में, असम जगह में, असम राज्य के अंदर, तो वहाँ पर ये सेंटर रख रहे हैं और यहीं पर आपका एग्ज़ाम ये करा लेंगे। इसमें एक वाइवा वॉइस भी रहेगा आपका, तो इस तरीके से पूरा आपका सिलेक्शन होना है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। हम मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म भरवा देता हूँ। देखिए यहाँ वेबसाइट पर आप लोग आते हो, अप्लाई हेयर पे आप लोगों को क्लिक करना है, आप लोग इधर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। देखो आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर ये फॉर्म चालू हुए हैं कॉन्स्टेबल के पोस्ट पर, और 2 पोस्ट इसमें अलग से और आई हुई हैं, जो कि आपका ड्रेसर अंडर, यहाँ पर सेम उन्हीं जगहों पर ये ड्रेसर नाम का पोस्ट है, इस पर 2 वैकेंसी आई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसमें कॉन्स्टेबल फॉर्म फिलअप दे रहा हूँ, आप लोगों को रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, यहाँ आ जाओगे, अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, तो याद रखना उसको 450 KB के कम रखो उसका साइज़, और JPG, JPG और PNG जैसे फॉर्मेट आप लोग रख सकते हो। साइन को जो है 100 KB से कम रखना है, और डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे वो ये आप देख सकते हो, 10th सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब आपको अपलोड करना होगा। हम डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सैल्यूटेशन, आप लोग जैसे अपने नाम के आगे क्या लगा रहे हो, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज और मिस और MD, ये सब जो भी आप लोग लगाते हो उनमें से आपको बताना होगा, तो मैंने यहाँ बता दिया है। इसके आगे हम चलेंगे, नाम डाल देंगे यहाँ पर, थोड़ा हम यहाँ पर मिडल नेम अगर आपका कोई हो तो आप बता सकते हो, लास्ट नेम में आपका जो भी हो वो आप लोगों को बताना होगा, और नहीं है तो आप लोग उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, जैसे मेरे को यहाँ नाम देना होगा। अब फादर नेम में आपको बताना होगा, यहाँ पर मदर नेम जो है वो भी आपको यहाँ पर दे देना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फ़ोन नंबर ये आपसे लेंगे तो फ़ोन नंबर आप लोगों को दे देना इस तरीके से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपसे मांगा जाएगा, अगर नहीं देना है तो इसको खाली छोड़ दें। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, इनमें से क्या हो, मैंने जैसे बोला मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली इनको 10th पास चाहिए, आप अगर ग्रेजुएट भी हो तब भी आप लोग फॉर्म दे सकते हो यहाँ पे। परमानेंट आपको अपना ज़िला बताना है कि आप असम राज्य के किस ज़िले में रह रहे हो, क्योंकि असम पूरे ऑल थ्रू आउट द स्टेट ऑफ असम आप लोग फॉर्म कहीं से भी भर सकते हो, जोरहाट और कामरूप और होजाई और हाइलाकंडी और गोलाघाट, इन सारी जगहों से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। काफ़ी ये पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी, ये सारी लिस्ट में से आप लोग कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। तो मैंने बता दिया जोरहाट ज़िले, मतलब परमानेंट मेरा ज़िला जो है वो जोरहाट है असम राज्य का, और मेल हूँ मैं, तो इस तरीके से महिला पुरुष दोनों ही फॉर्म भरेंगे। कैटेगरी देनी है, जनरल हो, SC हो, ST हो या MOBC या OBC, तो मैंने वो बताया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेरे को इस तरीके से दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, ईयर पे जाता हूँ मैं, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर दे दिया। देखिए 1 तारीख और 1 तारीख पहला महीना, और ये 1990 को मेरे को यहाँ पर करना है, 2000 इस तरीके से, और ये यहाँ पर ये देखिए पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ गया। आधार नंबर अगर आपके पास हो, आधार कार्ड, तो आप लोग दे दो, नहीं तो इसको छोड़ो खाली और रजिस्टर पे क्लिक करो, ठीक है। देखिए अब मेरे को इस तरीके से आ गया, ये फ़ोन नंबर पहले से ही एग्जिस्ट है, तो मैं इस पर करता हूँ ओके पे क्लिक, और अब मैं जाऊँगा डायरेक्ट लॉग इन के पेज पर। देखिए इस तरीके से आप लोग डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ आता होगा। एक बार इस वेबसाइट पर जिन लोगों को पहली बार रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए मैं आपको साफ साफ यही कहूँगा दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन मैंने एक बार पिछले इसी असम स्टेट में जो है पुलिस विभाग में एक रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप दिया है, उसमें रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। हालांकि इतना ही प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग उस वीडियो को देखो, आगे का फॉर्म फिलअप मैं इसमें देता हूँ आपको लॉग इन करके। तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट लॉग इन पे, मैं यहाँ पर यूज़र रिक्रूटमेंट ID दूंगा, और या फिर मैं फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने फ़ोन नंबर दिया, और मेरे को उसके बाद देना होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मुझे यहाँ दे देना है, जैसे मैं यहाँ देता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ।
है, अब हम एक बार लॉगिन पे क्लिक करते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स के साथ मैं लॉगिन हो गया हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप देख रहे हो मैंने रजिस्ट्रेशन करा हुआ था। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस अभी बताया, जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया गया, इस तरीके से सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना, यही सारी डिटेल्स डलेंगे। और इसके बाद आपसे फ़ोटो सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ आया होगा, हालांकि नहीं आता है समझ तो वीडियो रजिस्ट्रेशन का इसमें दिया हुआ है पहले से, आप लोग घबराए नहीं, वहाँ जाकर देख लें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कैटेगरी और सब कुछ आ गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर सिग्नेचर भी आ गया, फ़ोटो यहाँ पर आ रखी है आप देख रहे हो। और यहाँ पर अपनी फ़ोटो देना, अपना ही साइन देना, यहाँ पर इतना थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चले। अब देखिए यहाँ पर मेरे को बोला है इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई करना है मुझे, तो मैं इसमें अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब मैं एक सर्विसमैन नहीं हूँ, मैंने नो कर दिया। डू यू हैव अ होम गार्ड, मैं होम गार्ड सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, मैंने इस पर भी नो करा है। और थोड़ा हम इसमें आगे बढ़ेंगे, डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको भी नो कर दिया। और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ज़रा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अब एलिजिबल क्यों नहीं हूँ मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ, मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास होम गार्ड का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया भी था कि होम गार्ड सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को, भले ही आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो, एनसीसी वाले भी नहीं हो, होम गार्ड तो होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं होम गार्ड में जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करूँगा जो कि पीडीएफ में रहे और 200 KB से वो कम साइज़ उसका हो, इस तरीके का मुझे एक फ़ाइल अपलोड करना होगा और वो होम गार्ड सर्टिफिकेट का होगा। इस चीज़ का थोड़ा आप सभी लोगों को ध्यान रखते हुए चलना होगा। जैसे मैंने इसको ऐसे टिक करा और ऐसे ओपन कर दिया, सिलेक्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो एक बार हम डॉक्यूमेंट का टाइप भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर फाइलें थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पास सेफ होगा तो आप लोग इस तरीके से आसानी से ढूंढ लोगे। साइज़ 200 KB से कम रख दो और उसको जो है पीडीएफ फॉर्मेट वाली फ़ाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। देखिए हमें यहाँ बार बार ढूंढने आना पड़ रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा ये। और आप देख रहे हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, यस। और इसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया अपलोड, और अब हम एक बार फिर से इधर जाएंगे इस तरीके से, और इधर आ जाते हैं, सेव एंड प्रोसीड करते हैं। देखिए फिर दोबारा मुझे यहाँ पर एक चीज़ और करनी होगी, मुझे इसमें जो है यस करना है, मैंने आपको बताया था यस। और यहाँ से ही अपलोड, देखिए अब ये सक्सेसफुली अपलोड हुआ है यहाँ पर। इसको एक बार हमें व्यू भी करना है कि हम लोगों ने जो अपलोड किया, क्लिक, देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट आ गया है, ये पूरा डॉक्यूमेंट आप लोग देख रहे हो, इस तरीके का ये है। और ये पूरा हमें एक बार नीचे तक जाना होगा, इसमें हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए अब वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, आप देख सकते हो मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि इन्होंने बोला होम गार्ड का सर्टिफिकेट, वो मैंने अपलोड कर दिया। इस तरीके से मैं यहाँ टिक करता हूँ। अब ये कहते हैं कि कांस्टेबल, डिपार्टमेंट नेम आपका सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड के अंदर आप जाओगे। एक्शन, अब यहाँ पर सब देख रहे हो आप सभी चीज़ें, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ से। अब ये कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना होगा, वो नहीं भी दें तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, एज प्रूफ तो देना ही है, और प्रूफ फ़ोटो और साइन भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सबसे पहले हम एज प्रूफ में देंगे, आप ये यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर आते हैं फाइल में, फिर दोबारा से हम एज के लिए इस तरीके से हम देते हैं, ये सक्सेसफुली एज प्रूफ में अपलोड हो गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, फ़ोटो हम देते हैं यहाँ पर, फ़ोटो के लिए हम यहाँ आएंगे और इस तरीके से हम फ़ोटो, आप देख रहे हो आप ये फ़ोटो आ चुका है, इसको अपलोड करते हैं ज़रा। फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब ये कहते हैं सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए आप यहाँ आओगे और सिग्नेचर भी
आप लोगों को इस तरीके से मिल जाने वाले हैं। देखिए सिग्नेचर आ गया, इसको अपलोड करते हैं। अपलोडेड सक्सेसफुली, अब ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं। आप देखोगे पर्सनल डिटेल आ गई, कम्युनिकेशन देखिए A14 पिला विलेज और ये जोरहाट जिला आ गया, यहाँ पर जहाँ का एड्रेस है जोरहाट पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पिन कोड बता दिया गया है जोरहाट, और ये सारी जानकारी मैंने यहाँ दे दी है। मेरे को इसमें टिक कर देना है कि यस मेरा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, मतलब मेरे जो एड्रेस है, जैसे कि ऐसे लोग होते हैं जिनके दो एड्रेस होते हैं, आज वो कहीं और हैं और उनका एक ऐसा एड्रेस होता है जहाँ वो शुरू से रहे हैं, तो इस तरीके के दो एड्रेस आप लोग यहाँ दे सकते हो। हम प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आप देखोगे 10th की डिटेल आ चुकी है, मैंने यहीं ये सब दिया था पहले ही, 10th के बारे में, 12th के बारे में, ये सब आप लोगों को अभी फॉर्म भरते हैं, ये सब अपने अलग से देने होंगे। हालांकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा वो रजिस्ट्रेशन के समय ही ये सब दे देते हैं। इस तरीके से आपका रहता है। अब सेव एंड प्रीव्यू कर देते हैं हम यहाँ पर क्लिक। आप देखोगे पूरा फॉर्म मेरे सामने आ चुका है, मेरा मोबाइल नंबर और सारी चीज़ एड्रेस और सब कुछ आप लोग देखोगे सब आ चुका है क्लियरली। और अब मेरे को इन सारे डिटेल को कंफर्म कर देना है कि हाँ भाई मैंने जो भी कुछ दिया है वो सही है। एक बार मैं कंफर्म करता हूँ तो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड, मेरा फॉर्म जमा हो गया सक्सेसफुली, अभी इन्होंने ऐसा बताया है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी में। तो आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो आपका है ये इस तरीके से मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया है, और इसमें आप यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना। इस तरीके से आप लोग अपने फॉर्म को डाउनलोड करोगे, मैं एक बार दिखा दूँ, ये डाउनलोड करके इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट कॉन्स्टेबल वाले पे सौरभ कुमार कैंडिडेट का नाम, और कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर कॉन्स्टेबल वैकेंसी पर अप्लाई कर दिया है, और उसका जो फॉर्म है वो आज की डेट में डाउनलोड हो गया है। देखिए कॉन्स्टेबल पे अप्लाई किया और ये सब हो गया, इसके तरीके से पूरा डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए मैंने फॉर्म अप्लाई कर लिया है दोस्तों, इसे इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। मैं एक बार नोटिफिकेशन पे दोबारा आया हूँ कुछ बताने, तो देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ीस। वही मैं सोच रहा था कि फ़ीस क्यों नहीं गई, क्योंकि फ़ीस नहीं है, और ये मैंने पहले ही आपको बताया था, तो फ़ीस नहीं है, फ्री में भरी जाएंगी फॉर्म, और असम के जितने भी लोग हैं फॉर्म भर के इस वैकेंसी को ले सकते हैं, अपना एग्ज़ाम और PST और PET जैसी चीज़ें देकर इस रिक्रूटमेंट को ले सकते हैं। आपने देखा कि मैंने पूरा फॉर्म भी भर लिया, प्रिंट भी ले लिया, इस तरीके से आप लोग कर लो और अप्लाई हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट रहा हो आपका कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लो, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर कर दो, खासकर असम के लोगों तक। तब तक हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।